अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हुमैरास किचन। मैं हूँ हारिस। आज की वीडियो एक फॉलो अप वीडियो है। हमारी जो रोटी मेकर की वीडियो थी 4.0 वाली, उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने पसंद भी की और कुछ ने बोला कि हमने शायद उसको एडिट किया है क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा थे। कट इसलिए किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि जो हमने वीडियो कट की थी उसमें हमने फिर रोटी जो है वो बदल दी थी, कोई दूसरे तवे पे बना के रोटी मेकर में डाल दी थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक फुल क्लिप लगाएंगे जिसमें हम वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं करेंगे। उसके अलावा हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये वीडियो देखें और इन्जॉय करें। ये जो आप क्लिप देखने लगे हैं ये बिल्कुल अनकट है, इसमें कोई कटिंग नहीं हुई हुई और इसमें कोई एडिटिंग नहीं की हुई हमने, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी वीडियो। और ये भी हम बोलना चाहते हैं, कुछ तेरी रोटी मेकर यूज़ करने के बाद हम कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं कि हमें कैसा लगा, अच्छा काम किया कि नहीं। ये जो रोटी मेकर था 4.0 वाला, इसमें किसी वजह से रोटी बहुत स्लो बन रही थी, बहुत टाइम लग रहा था रोटी को तैयार होने में। हो भी सकता है जो यूनिट हमें मिला है वो सही ना हो, मगर ये मसला आ रहा था, बहुत स्लो रोटी तैयार होती थी जिसकी वजह से कभी कभी रोटी जो है वो सूख भी जाती थी। और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि हीटिंग इश्यूज हैं, जहाँ रोटी एक साइड से पक नहीं रही, टाइम बहुत लग रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई चीज़ है जिसको प्रेस्टीज बेहतर कर सके। और ये एक कमेंट आया था हमें कि आपने एक रोटी बना के दो डिफरेंट क्लिप्स में वही रोटी क्यों इस्तेमाल की थी, वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जो वीडियो आप YouTube पे लगाते हैं उसका जो थंबनेल होता है वो भी आपने अच्छा लगाना होता है ताकि इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। तो मुझे जब ये रोटी बन रही थी तो जब ये फूलती है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता थंबनेल के लिए, सबसे अच्छा टाइम यही होता है कि आपने जल्दी से एक अच्छा से शॉट ले लेना है जिसकी आप एक पिक्चर बना लेंगे। तो हमने सोचा एक अच्छी सी पोजीशन करके पिक्चर ले लेते हैं इस रोटी के बनते हुए ताकि हम उसको थंबनेल में इस्तेमाल कर लें। तो आगे जाके आपको नज़र आएगा कि हुआ क्या था। और क्योंकि वो थंबनेल के लिए है पिक्चर तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। और क्योंकि हमेशा रोटी जो है वो नहीं फूलती तो हम बस फुली तैयार थे कि बस एक अच्छा सा शॉट आ जाए जो हम इस्तेमाल कर सकें पिक्चर में।
देख सकते हैं रोटी जो है वो फूलने लगी थी, और मुझे थंबनेल के लिए जो पिक्चर है वो लेनी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा जो है मेरे से सही तरह पोजीशन नहीं हो रहा था, और देख सकते हैं हिल भी बहुत रहा था। तो जब शॉट लेने की बारी आई पिक्चर के लिए, तो मुझे एंड में कैमरे की पोजीशन ही चेंज करनी पड़ी, जो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी वीडियो में, काफ़ी अनस्टेबल लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, जो कि हो सकता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है कि ये कट क्यों आया था, ये शायद वीडियो फेक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा किसी ने हमें कहा था कि आपकी शायद वीडियो जो है वो पेड है, आपको प्रेस्टीज जो है जिनका ये रोटी मेकर है उन्होंने शायद आपको पैसे दिए हैं ये भूलने के लिए, मगर ऐसा भी नहीं है। अगर हमें स्पॉन्सर किया होता तो कोई ऑफिशियल लिंक दिया जाता हमें जो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते, मगर हमने खुद जहाँ से लिया था, जिस रीसेलर से लिया था, उसी का ईबे लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया था। ये जो है ऑनेस्ट रिव्यू था, क्योंकि हमें पसंद आई थी इनकी ये रोटी मेकर मशीन, तो इस वजह से हमने वीडियो बना दी। वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं थी। तो ये था एक रॉ क्लिप जिसको कहते हैं, जो एडिट नहीं हुआ होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है इसी वजह से, क्योंकि एडिट नहीं हुई भी। तो ये थी हमारी फॉलो अप वीडियो। उसके अलावा आज एक रेसिपी वीडियो भी आएगी, तो वो हम कुछ देर में पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।